सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल को दो सिद्धि वाली याचिका लंबित है तब तक उनकी सजा पर रोक रहेगी। माना जा रहा है कि राहुल अब संसद के मानसून सत्र में भाग ले सकते हैं। जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है, कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का जो धारा 8 का जो सबसेक्शन 3 है उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सबसेक्शन अप्लाई नहीं होता है। और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया। आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है? क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाता है। सर, आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन लगा, स्टे के बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सुमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने खुशी जाहिर की है तो वहीं बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहां भी जाइए, इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की, उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे, जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। तो ये थी राहुल गांधी के मोदी सरनेमों वाले मामले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।